आज के इस मन की बात के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी, संसद में मेरे साथी राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारी सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री बनवारी लाल जी, हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष संतोष यादव जी, हमारे ज़िला की कर्मठ अध्यक्षा श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी, सुधीर सिंगला जी, हमारे विधायक सत्र प्रकाश रावत जी विधायक, सम्मानित मंच और यहाँ सभी एसोसिएशंस के से जुड़े हुए हमारे सभी सज्जन वृंद और हमारे सभी समाज के प्रतिष्ठित महानुभाव और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 90th एपिसोड, 90 प्रकरण यानी 90 एपिसोड में मन की बात सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 3 अक्टूबर 2014 को इसका पहला प्रसारण हुआ था मन की बात का, और ये 90th एपिसोड है जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके साथ चर्चा की है। कल 25 जून थी, मुझे नहीं मालूम आप सबको 1975 का 25 जून कितना याद है, लेकिन वह भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में एक काला अध्याय के नाम से जाना जाता है। मुझे ये भी नहीं ध्यान में कि आप सब लोगों को प्रजातंत्र पे आघात का कितनी यादें हैं ताज़ा, लेकिन मुझ जैसे एक 20 साल के बालक को यह ज़रूर याद था कि मेरे कॉलेज से मुझे मेरे क्लासरूम से अरेस्ट किया गया था और मेरी उम्र उस समय 19 साल थी, और वो भी याद है मुझे अच्छी तरीके से। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि अगर उजाले को याद रखना हो तो अंधेरे को हमेशा याद रखो, तभी उजाले का मजा आएगा। आज जो आप प्रजातंत्र का मजा ले रहे हो, आज जो भारत एक सबसे दुनिया का बड़ा राष्ट्र, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ खड़ा है, तो यह कोई संविधान के कारण ही नहीं खड़ा है, यह भारतीय मूल विचारधारा रही है जिसने हमें हमेशा प्रजातांत्रिक रखा है। इस बात को हमको याद रखना, और इसीलिए जब इस पर आघात हुआ तो भारत के जन जन के लोग खड़े हो गए। आप भूल गए होंगे 45,000 से ज्यादा लोग DIR में बंदी बनाए गए थे, 70,000 से ज्यादा लोग मीसा में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंदी बनाए गए थे, और एक दिन के लिए नहीं, दो दिन के लिए नहीं, 19 महीने, 20 महीने, 22 महीने, 21 महीने। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री जी ने अपनी शुरुआत मन की बात उससे की, लेकिन उसको राजनीति से नहीं जोड़ा, उसको प्रजातंत्र से जोड़ा और भारत की मूल विचारधारा से जोड़ा। इस बात को हमको याद रखना चाहिए, इसको हमको समझना चाहिए। ये 90 एपिसोड्स में प्रधानमंत्री जी ने कभी भी राजनीतिक बातचीत नहीं की है। आज भी उन्होंने जब चर्चा की तो उन्होंने चर्चा खिलाड़ियों की थी, स्पोर्ट्स की, खेलो इंडिया की, भारत के बढ़ते हुए नौजवानों के खेल में स्पर्धा की, और ये बताने की कोशिश की कि ये भारत है, इंडिया नहीं है, जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़कर के ही सिर्फ बनते हैं। एक बस ड्राइवर की बेटी भी
अच्छी तरीके से स्पोर्ट्स में खिलाड़ी बन सकती है, इस बात को उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने समाज को जागृत करके ये बताने की कोशिश की कि भारत गांव से जुड़ा हुआ भारत है, और गांव के बच्चे गरीब परिवार से आने वाले जो कभी सुविधाओं से वंचित थे, आज उनको सुविधा दी गई है तो वो देश का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं, इस बात को उन्होंने कहने की कोशिश। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो उन्होंने कोई बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट की बात नहीं की, उन्होंने किसी इन्वायरमेंटलिस्ट कोई रिसर्च स्कॉलर की बात नहीं की, उन्होंने जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति जो हमारे आइजोल में मिजोरम में नदी को साफ करते हुए दिखे और जिन्होंने नदी की कल्पना को बदल करके रख दिया, एक स्वच्छ नदी बना दी, उसकी चर्चा करके उन्होंने बताया है। अगर हम बात करें लोगों के योगदान की तो उन्होंने किस तरीके से स्पेस रिसर्च के बारे में, जिस पर ओम प्रकाश धनखड़ जी आज चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने उसको जोड़ करके बताने की कोशिश की कि आज हमारा नौजवान स्पेस के बारे में भी किस तरीके से स्टार्टअप के तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। एक तरीके से मन की बात हमारा सामाजिक परिवेश, हमारा आध्यात्मिक परिवेश, हमारे द्वारा जन जन से चलाए गए आंदोलनों को रूप देने वाला परिवेश और उसके साथ निकलती हुई ध्वनि, भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इसको बताने की कोशिश का बहुत बड़ा जरिया है मन की बात। और मन की बात के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी करोड़ों लोगों को हर महीने के अंतिम रविवार से जुड़ते हैं और वो हम सबको संदेश देते हैं। मित्रों, आप ही बताएं, आज दिन तक कभी किसी प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक राष्ट्र के साथ जुड़े हुए और समाज की समस्याओं से जुड़े हुए इतनी लंबे समय तक बिना राजनीति की बात की है, किसी प्रधानमंत्री ने बात की होगी तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो मन की बात के माध्यम से बात करते हैं। ये उनका सामाजिक पक्ष है, ये उनका राष्ट्रभक्ति का पक्ष है, ये राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव का पक्ष है। हम सब लोगों का सिर्फ इतना दायित्व तो बनता है कि हम सब लोग अपने अपने तरीके से हर रविवार को अपना समय निकाल कर एक साथ बैठ करके, और अपने ड्राइंग रूम में नहीं, अपने बेडरूम में नहीं, सामूहिक रूप से इस तरीके से बूथ पर बैठकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात सुने, बूथ पर उसकी चर्चा करें और बूथ पर चलने वाले कामों की भी चर्चा करें। एक पंथ दो काज होगा, एक तो आप प्रधानमंत्री मन की बात भी सुनेंगे और दूसरा बूथ का सुदृढ़ीकरण भी होगा, और बूथ का सुदृढ़ीकरण होगा तो आने वाले समय में राष्ट्र को मजबूत करने के लिए पार्टी के तरीके से आप एक अभिन्न अंग बन सकेंगे, इसका भी आप माध्यम बन सकेंगे, ये मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ। इसलिए आप इसका सदुपयोग कीजिए। हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर महीने हमारे साथ सामाजिक विषयों पर जुड़ते हैं, उनका आपको लाभ उठाना चाहिए, और लाभ ही नहीं उठाना चाहिए, एक मैं और निवेदन करूंगा, अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। क्या हम प्लास्टिक फेंकते रहें और हम प्लास्टिक को इकट्ठा करने वालों की गाथा सुनते रहें? क्या हमारा जिम्मा नहीं बनता है कि हम सेग्रीगेट करके प्लास्टिक को निकाल करके सही स्थान पर पहुंचाएं? क्या हमारा जिम्मा नहीं बनता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में पैदा होने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दें? क्या हमारा जिम्मा नहीं बनता है कि हम अपने युवाओं को पहचान करके उनको प्रोत्साहन दें? इसलिए हमको अपने कार्य को एक्टिविटी में बदलने की भी प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगा। आप सब लोग बड़े शॉर्ट नोटिस पर यहाँ मन की बात पे आए हैं और इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत, और आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।